Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. बहुत अच्छा रहा अब तक का, अगर आप पूछ रहे हैं सीजन टू का ही. बहुत अच्छा रहा. इट्स been a good couple of months and story अच्छी चल रही है. शूट करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है. बाहर माहौल भी बहुत अच्छा हो रहा है. तो it's been good. Yeah, काफ़ी स्मूथ है. और सीजन वन के बाद जो भी गैप आया एंड देन नाउ वी स्टार्टेड विद सीजन टू एंड लकीली ऑल द एक्टर्स आर द सेम जो सीजन वन में हैं. कुछ एक दो ही रिप्लेस हुए हैं. तो वही टीम है और वही सारे एक्टर्स हैं और सब एक बार फिर से वही शो में और वही कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मज़ा आ रहा है. मौका मिलता बहुत कम लोगों को. कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. मुझे लगता है एक फ्लो है जिस पॉइंट पे सीजन वन एंड हुआ था. और अगर हम उसके बाद 8-9 ईयर्स के बाद अब देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो एक फ़्लो होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही एक फ़्लो है. और उतना ही जो चेंजेस आने चाहिए कैरेक्टर्स के अंदर वैसे ही आए हैं. और इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही स्मूथ है. मतलब लग ही नहीं रहा कि कुछ मतलब सडनली बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट है या कुछ जर्क है. ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत ही स्मूथ रहा है. आई थिंक जो शो का फ्लेवर है और जो शो के कैरेक्टर्स हैं और ऑफकोर्स जो शो की कहानी है जो इन सब चीज़ों को बांध कर रखती है. तो ये है एक यूनिक शो है. यू नो चाहे आप उसकी स्टोरी लाइन की बात कर लो या जो जिस तरीके से कैरेक्टर्स पोर्ट्रे किए गए हैं हर एक्टर के द्वारा. एवरीथिंग इज़ अ यूएसपी एंड ये शो बहुत ही अलग है. मतलब हर चीज़ इसकी स्टैंड आउट करती है इफ़ यू कंपेयर इट टू एनी अदर शो ऑन इंडियन टेलीविजन. और उसी वजह से आई थिंक सीजन वन वॉज दिस सक्सेसफुल एंड सीजन टू भी इतना अच्छे से वेल रिसीव किया जा रहा है और इतना लोगों को पसंद आ रहा है. सीजन टू उसी की वजह से आया है बिकॉज पीपल लव द शो फॉर वॉट इट इज. एग्जैक्टली. आई थिंक जिस तरीके से स्टोरी जो भी चेंजेस हैं दे आर फॉर द गुड. और जैसे कि सबकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है इम्प्रूव हो जाती है. और बी इट पर्सनली प्रोफेशनली आप काफ़ी चीज़ें बिकॉज यू लर्न एवरी डे. आप हर रोज़ कुछ ना कुछ लर्न करते हो. तो ऑब्वियसली जो आप आज हो 5 ईयर्स बाद आप वैसे नहीं होते हो. आप अलग होते हो. तो वही जो चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिक बस वैसे ही चेंजेस हैं एंड दे आर फॉर द गुड. बहुत ही घर जैसा माहौल है इस सेट पे तो खास तौर पे बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हम सारे वही एक्टर्स हैं जो सीजन वन में थे. तो वो उस टाइम भी एक फैमिली बन चुकी थी और उसके बाद भी सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही रहे हैं. और अब साथ में फिर से शूट कर रहे हैं तो वही 12-14 hours, 15 hours एवरी डे हम साथ में होते हैं. तो एक वो फैमिली फिर से साथ में शूट करें तो बहुत अच्छा खासा कम्फर्ट लेवल है. और वैसे ही वही जैसा उस टाइम फील होता था वैसे बेटर. या तो इट्स गुड. फैंस के सारे मैसेजेस हमको मिलते रहते हैं. तो उन सब मैसेजेस के लिए और उनकी सारी जितनी भी वो चीज़ें हमारे लिए करते हैं शो के लिए करते हैं उस सब के लिए थैंक्स. और हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वो शो देखते ही रहते हैं. तो और सिर्फ देखते ही नहीं है वो एक तरह से वो एक शो का हिस्सा हैं. वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं शो के साथ. तो वो सब चीज़ें हमें पता होती हैं और अल्टीमेटली हम थैंक्स ही कह सकते हैं. तो थैंक्स टू ऑल द फैंस. थैंक यू सो मच आज तक इतना प्यार देने के लिए हमारा साथ देने के लिए. और उसी की वजह से आज हम सेकेंड सीजन को लेकर आपके सामने बैठे हैं. बस आगे भी इसी तरीके से हमारा साथ देते रहिए प्यार देते रहिए और कुछ नहीं कहना चाहते. थैंक यू.